छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के जो रिजल्ट तो कल आ जाएंगे, मगर मैं इस यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों के में कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद और जो जनता का मूड दिख रहा है, ये बहुत स्पष्ट है कि पिछले बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 11 में 10 सीट और उसके पहले हम 10 सीट और 9 सीट जीतते रहे हैं। इस बार के चुनाव में भी लोग जरूर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं है, मगर जनता का रुख और जनता का मूड को देखकर मोदी जी के नाम और काम से ये स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में भी मोदी जी के नाम से जनता ने खुल के वोट दिया और फिर 2014 के रिजल्ट को हम दोहराने की तैयारी में हैं। 5 महीने में इनके काम से, खासतौर से भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद, जनता के अंदर जितने उसमें गिरावट आई है, बड़ी बड़ी मांग, बड़ी बड़ी घोषणा पत्र में बात डालकर लोगों को भ्रम में रखा गया, मगर आज बस्तर से सरगुजा तक लोगों के मन में इस सरकार के 5 महीने में भी असर उतर चुका है। लोगों के मन में आक्रोश है। बड़ी बड़ी बातें तो छोड़िए, गरीबों के लिए आम छोटी छोटी चीज़ों में भी उनको दूर कर दिया गया। चना की योजना, नमक की योजना, चरण पादुका की योजना, दाल भात केंद्र की योजना, वहाँ के सारे डेवलपमेंट के काम रुक गए हैं, पूरे विकास रुक गए हैं। तो एक प्रकार से 5 महीने के बीतते बीतते ही कांग्रेस सरकार ने अपने निश्चित रूप से जो विधानसभा में जो स्थिति थी उसकी उल्टी स्थिति है और जनता का पूरा समर्थन बीजेपी को मिलेगा। मैं कल दिल्ली में था, उसके पहले मैं और अन्य स्टेट में घूमता रहा, जाते रहा। मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान, उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम, चारों तरफ मोदी जी के नाम से और देश में एक वातावरण का निर्माण हुआ है कि प्रधानमंत्री के रूप में किसी को कोई शंका नहीं है, प्रधानमंत्री के रूप में कोई विषय ही नहीं है। वो चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे केरल, आप वेस्ट बंगाल को छोड़कर आप उड़ीसा चले जाएं, अन्य राज्यों में चले जाएं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूर्ण सहमति है। और इस बार चमत्कारिक रिजल्ट उन क्षेत्रों से भी आ रहा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति बहुत नगण्य थी, जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उड़ीसा बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास दोहराएंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग एजेंसी के माध्यम से 6 एग्जिट पोल के रिजल्ट आ रहे हैं, सभी को झुटला देना, जनता ने जिस बात को स्वीकार कर लिया है, जनता की बात को झुटलाना है। और ज़्यादा वक्त नहीं है, कल इसका रिजल्ट आ जाएगा, जनता देख लेगी कि कैसे मोदी जी का चमत्कार देश में चला है। इलेक्शन कमीशन ने ठीक रिजल्ट किया, इनकी मर्जी होगी। जब ये चुनाव जीत जाते हैं मध्य प्रदेश में, जब चुनाव जीत जाते हैं राजस्थान में, जब चुनाव जीत जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तब तक ये मशीन, ईवीएम मशीन बिल्कुल ठीक है। जिस दिन उनको लगता है कि उनका खसक रहा है, उनका चुनाव हार रहे हैं, तो फिर आरोप किसके ऊपर लगाएं, तो जनता के ऊपर मटते हैं और फिर ईवीएम मशीन के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो ये अपनी हार को छुपाने के लिए एक प्रकार से अभी से पूरा विपक्ष हल्ला कर रहा है और ख़ासतौर से कांग्रेस के लोग।